तो ये सारी भाई टीम है और ऑल भी टीम है और सबसे बड़ी टीम तो ये है, ये जो क्रांतिकारी मेरी बहन पर थी, माँ पर थी, ये है, ये युद्धवीर सिंह ने बिल्कुल ठीक बात कही, पूरे देश में ये चुन लिया हुआ क्षेत्र, और यहाँ की जो फौज है इसको कमजोर करा जाए, इनको लड़ा दो कहीं, जब लड़ाई की जरूरत आएगी तो जब लड़ाएंगे आपको, अभी नहीं आई, अभी तो एक खामा खाम जा रहे हो, उसके बाका दौड़ में वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये थका देंगे फौज को, सुरक्षित रखना है। वो दिल्ली वाली जो घटना हुई जब 28 तारीख में, तो 12 मिनट बाद में यहाँ से खबरें आनी शुरू हो गई थी, 12 मिनट बाद, 12 मिनट तो लोगों ने टीवी देख के और सलाह भी करी होगी या टीवी देख के बिल्कुल घर से निकल गए, 12 मिनट लगी थी, इनको एहसास है ये, और ये भी एहसास है कि लाठी नहीं चलनी अब किसान आंदोलन पर कहीं पर भी, ये तो 10-15 साल 20 साल पहले ये मामले हो लिए, अब तो आपकी बात में ना ड्राव दूर से इतना दम है, ये हाईवे पे तीन से पहले छप्पर गिरे, पुरानी गिरी, वो खराब हो गया, पक्के गिर गए, इनको कोई हटा सकता है क्या? ये विकास आ रहा है पूरी, और ये पूरे देश भर में है, हरियाणा की खबर उत्तर प्रदेश में नहीं जाती, उत्तर प्रदेश की यहाँ नहीं आती, एक जिले के दूसरे जिले में नहीं जाती। कल हम रामपुर और उत्तराखंड की साइड में थे और आते हुए करीब 6 जगह हमने पंचायत तय करी टोलू पे, लेकिन उनकी खबरें यहाँ नहीं आएगी। बहुत लोग उड़ जाना चाह रहे हैं हमको, हरियाणा यूपी को उड़ जाना चाह रहे, हरियाणा पंजाब को उड़ाना चाह रहे, सिख नॉन सिख को जाना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम को जाना चाह रहे, इनसे बचो, इनसे बचना है। लड़ाई बड़ी चल रही दिल्ली में 6 महीने से ज्यादा हो गए, कितने दिन और लड़ाई चलेगी ये भी नहीं पता। गांव-गांव में जैसे ये कोरोना का ये था, ये खत्म सा हो गया, लोग मीटिंग करने लगे, फिर गांव-गांव की मीटिंग शुरू होगी, लोग फिर उसी सिस्टम से आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि डर रहे, और डेथ भी बहुत लोगों की हुई भी है, ऐसा भी नहीं कि बीमारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत तादाद में अब उनमें जाने लग रहे हैं। हम रोक रहे हैं कि भाई ज्यादा भीड़ वहां इकट्ठी ना हो, रोकते रहते हैं उनको। मोर्चा कोई कमजोर आपका नहीं है दिल्ली के चारों ओर का, पूरे मजबूत मोर्चे हैं, जो गांव में लोग हैं वे पूरी तैयारी के साथ में निगाह रखते हैं कि मोर्चों पर क्या हो रहा है, तो ये अपना शांतिपूर्ण तरीके से हमको आंदोलन चलाने हैं, आंदोलन हो सके कि और 6 महीने चल जाए, ज्यादा स्पीड में तो आप भागते चले जाओ तो ज्यादा स्पीड में तो कब तक भाग सकते हो, पैदल पैदल हम बहुत दूर तक जा सकते हैं अगर हल्की स्पीड रहेगी, तो ये है कि अपनी एनर्जी को जो ताकत है उसको खत्म नहीं करना। ये प्रोग्राम आपके बढ़िया प्रोग्राम चल रहे और हरियाणा का पूरा एहसान बंद है, ये जो संयुक्त मोर्चा है जो किसान है देश का, हरियाणा की जितनी मजबूती मिली है, टिकेत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पूरा हरियाणा खड़ा हो जाएगा, और पंजाब की भी उनकी थी कि पंजाब मिल जाए तो फतह हो जाएगी, आज वो टाइम आ गया, आज किसान का वो टाइम आ गया जिसकी उनकी सोच थी, जिस पे वे काम करते थे, उनके टाइम पे ये गठबंधन जुड़ नहीं पाया था, उन्होंने भी बहुत ताकत लगाई, अगर दिल्ली में भी आया तो दिल्ली में भी ये हरियाणा था, ये पूरा ये क्षेत्र था, पंजाब की एक दो जत्थेबंदी थी, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, कुछ राजस्थान का रहता था, लेकिन जिस हिसाब से अब की बात
करीब 300 किलोमीटर दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर पब्लिक ने रखा है, ये कभी नहीं मिला। और ये यहाँ यहाँ नहीं, ये जो आप बोल देते हो पूरे देश में इस पे काम होता है। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल जाएगी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र सब जगह आपका संगठन है, वहां पे उस पे कॉल पे काम होता है। आपने ट्रैक्टर की कहा 26 तारीख में, तो हजार हजार ट्रैक्टर लेकर निकले लोग, 90-90 किलोमीटर की यात्राएं करी उन्होंने उस दिन। यहाँ पे आप लोगों ने जल मांगी 28 तारीख में, तो यहाँ पे पूरे देश भर से विदेशों से लोग जल लेकर आए वहां पे। बहुत का नाम नहीं ले सकते थे, कौन कौन आए, बहुत लोग आए वहां पे। तो ये है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा मूवमेंट, इसको चलाओ। आपको कोई उकसाने की कोशिश करे, रोज आप किसी के पीछे लाठी ठा के, अरे भागते है के पीछे थोड़ी भागे करते, तो पंचायत का नियम है। अगर कोई भाग गया तो उसके पीछे थोड़ी पंचायत है बाकी, यही तो भाग भाग गया। और पीठ पे क्या हम वार करें, हम तो सामने वार करेंगे। अगर कोई सामना होगा तो आमने सामना, तो अगर कोई डर का भाग गया फिर सरकार आगे आगे है हरियाणा वाले तो, और किसान उसके पीछे पीछे है। आज तो यही हो रहा, तो अपना शांति से इस मूवमेंट को हमको शांति से चलाना। जो नौजवान साथी है, कल भी यहाँ पे घटना हुई है, वे बालक भी जो गए हैं उनको भी समझाएंगे, बात करेंगे उनकी भी। 27 लोग पकड़े गए थे, 3 रहे जो भी छोड़ दिए, 3 और रहेंगे उनकी भी बात करेंगे। और फिर जब क्या आंदोलन, देखो दो चीजों में से एक चुननी पड़ेगी। जब लड़ाई लड़ रहे तो फिर घासीराम ने तो सबका पढ़ने को चीज करे, फिर जेल भी वही उतने साथ रहना पड़ा था। ऐसा कहते हैं कि घासीराम भी बन जाऊ, चौधरी चरण सिंह भी बन जाऊ, ठीक है साहब भी बनू और जेल में रहना ना पड़े, ऐसे कैसा हो जाएगा। फिर अगले दिन ही मूवमेंट शुरू कर, आज ही रात को छोड़ो। अगर जेल से डर लगता है तो फिर अपने भट्ठो घर, अब नहीं तो ठीक है अब तो कर लेंगे आगे, फिर यानी जो कॉल करी जाए उस पर करे। फिर जेल चलेंगे तो सब चलेंगे, फिर तो 5-6 महीने तो कम से कम जेल में फिर रहना ही चाहिए। फिर अब जेल में तो छोटो उसके लिए आंदोलन, उसके लिए आंदोलन नहीं होता, फिर वो तो कमजोर आदमी आंदोलन करता है कि जेल में बिना निकलवा दो, वो तो कमजोर हो गया ना। ये नहीं है लड़ाई, लड़ो ये आंदोलन है। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तो जेल में भी जाएगा अपना, जेल में भी रहो, जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो बात करें। फिर आपका मजबूत संगठन है भाई, चलाओ इसको, और सब लोग सीख ले रहे हैं। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।